Hello everyone. Now let's continue our topic of human physiology. Last topic is nervous system. Okay, nervous system. The system means by which our body works in a synchronized way. ठीक है, synchronized way का मतलब क्या होता है कि हमारी body है जो वो पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप वर्क करती है और किस ऑर्गन को कब क्या परफॉर्म करना है उसके हिसाब से कंट्रोल करती है. ये हमारा सब कुछ नर्वस सिस्टम के अंडर आता है. ओके, दिस सिस्टम हैज़ अ फंक्शनल यूनिट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन. इस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, न्यूरॉन. जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था कि उसकी फंक्शनल यूनिट थी नेफ्रॉन, वैसे ही नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन. जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें जो नर्व्स हैं उनके अकॉर्डिंग. तो नर्वस सिस्टम हमारा टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है हमारा CNS एंड सेकेंड है हमारा PNS. ओके, CNS हमारे हमारा क्या क्या कंसिस्ट करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सब हमारी CNS के अंदर आती हैं. इनसे रिलेटेड अगर हमारी बॉडी में कोई सिग्नलिंग या कोई ट्रांसमिटिंग होनी है तो उसे कंट्रोल करेगा हमारा CNS. फाइन, वहीं सेकंड पार्ट है हमारा PNS. PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सॉरी, और CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टू टाइप्स की नर्व्स आती हैं जिनका मेन वर्क होता है, एक है एफरेंट नेटवर्क और दूसरी है ईफरेंट नेटवर्क, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूरॉन नर्व्स. फाइन, एफरेंट नर्व्स का काम होता है किसी भी जो हमारे सिग्नल है उसको CNS से उन ऑर्गन्स को तक ले जाना जो हमारे लिए, जो हमारे वॉलेंट्री हैं. जबकि ईफरेंट न्यूरॉन्स का काम होता है CNS से सिग्नल्स को उन ऑर्गन्स तक ले जाना जो हमारे इनवॉलेंट्री हैं. फाइन, PNS भी अपने आप में टू टाइप्स का होता है. इट इज़ ऑफ टू टाइप एंड दे आर सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम. न्यूरल नर्वस, देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम, यू कैन कॉल दैम इन एनी वे. फाइन, इट्स जस्ट ऑन योर राइटिंग सेंस. ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो हमारा टू टाइप का होता है. एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही समझ में आ रहा है, व्हेन वी आर इन सम कंडीशंस व्हिच इज नॉट इन आवर फेवर, राइट. जब हम किसी परेशानी में हो या हमें किसी चीज़ का डर हो या एंजाइटी हो, इन कंडीशंस में हमारा जो नर्वस सिस्टम वर्क करता है हम उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं और वो हमारा ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम में आता है. और ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. अंडरस्टैंड, ये चीज़ें बहुत ही सिंपल लगती हैं लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ पढ़ा था या ये किस में लाया करता है. आपका क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि यू आर इन अ फियर कंडीशन विच नर्वस सिस्टम विल वर्क, तो वहाँ पे आपके ऑप्शंस आ सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, कुछ भी. तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम वर्क करता है जब हम किसी ऐसी कंडीशन में हो जो हमारे लिए थ्रेटफुल है. ओके, नेक्स्ट हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम का मतलब क्या है कि जब हम नॉर्मल कंडीशंस में, पैरा मीन्स दूर और सिंपैथेटिक मीन्स जिसमें कोई सिंपैथी वाली चीज़ नहीं है. ओके, अब आता है हमारा मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड दैट इज़ न्यूरॉन. इसके बारे में हम एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल जस्ट इज इट इज़ एन इंट्रो टू यू अबाउट दिस सिस्टम्स एंड दिस विल मेक यू इजी इन योर नेक्स्ट क्लासेस. फाइन, न्यूरॉन, इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली थ्री पार्ट्स. व्हाट दे आर, डेंड्राइट, सेल बॉडी
एक्सॉन। ओके, मेन पार्ट्स ये होते हैं, लेकिन एक्सॉन में नर्व एंडिंग्स भी होती हैं दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सिग्नलिंग। फाइन, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी, दैट इज डेंड्राइट है, इट ट्रांसफर सिग्नल टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ओके, जो हमारा डेंड्राइट है ये सिग्नल को टूवर्ड्स सेल बॉडी ट्रांसफर करता है, टूवर्ड्स सेल बॉडी। वहीं एक्सॉन है जो इट ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी दैट सिग्नल। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी, इसलिए ताकि आप थोड़ा सा इसके फंक्शन से रिलेशन बता सकें। फाइन, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग नर्वस सिस्टम। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ इट इज़ यूजफुल सो सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।